हमारे साथ में प्रताप राव यादव साहब हैं, शिवसेना के सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं मोदी सरकार में। यादव साहब, आपने कार्यभार संभाल लिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी कार्यभार संभालने पे, लक्ष्य क्या रहेगा आपका? ये देखिए, आज ही मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य मंत्री के नाते पदभार स्वीकारा और आयुष का भी मैंने मंत्री के नाते वहाँ पर पदभार स्वीकारा है। लक्ष्य जो है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है उसके मुताबिक हमने आज से ही अधिकारियों की बैठक लेकर आज से काम शुरू कर दिया आपने उस पर। आज ही हमने सभी हमारे जो सेक्रेटरी थे, डिप्टी सेक्रेटरी सभी की डिपार्टमेंट की हमने बैठक लेके उनसे सभी प्रेजेंटेशन लेके 100 दिन के कामों का एक काम हमने अब शुरू किया है और हमारी कोशिश यही रहेंगी कि जो 100 दिन का रोड मैप है वो 100 दिन के पहले ही हम पूरा करने की कोशिश करें। आपसे अगला सवाल राजनीतिक है कि आपकी सीटें अच्छी खासी आई महाराष्ट्र से शिवसेना की, मगर मंत्री पद जो है उस हिसाब से कैबिनेट आपको नहीं मिला, मांझी साहब कैबिनेट हो गए, इसका कुछ गिला कुछ दुख? ये देखो, हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से यही कहा था कि शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष की जो युति है, गठबंधन है, वो बहुत पुराना गठबंधन है। आदरणीय हिंदुहृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी, ये बड़े नेताओं ने बनाया हुआ ये गठबंधन है और 35 साल से ये गठबंधन हमारा चल रहा है। हमारी कोई कमिटेड गठबंधन बीजेपी के साथ में नहीं था, कोई बार्गेनिंग हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे जी ने नहीं की हमारे को, और ये बारी से भी जो पोर्टफोलियो दिया है तो अच्छे पोर्टफोलियो है। हम यही सोच रहे थे मंत्री बनने के बाद में कि भाई पब्लिक रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट अगर मिल जाए तो हम अच्छा काम करेंगे। और संतुष्ट हैं या कुछ अंदर कुछ गिला भी है? बिल्कुल, पूरी तरह से मैं, हमारे सभी सांसद दोस्त, हमारे सब पार्टी के नेता सभी ने मुझे अभिनंदन मेरा किया है और खुशी जताई है कि बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मिला है जिससे बहुत अच्छे काम करने की भी मुझे करने का मौका मिल रहा है। आप महाराष्ट्र से आते हैं, संघ प्रमुख की एक बात जिस पे बहुत चर्चा हो रही, उन्होंने मणिपुर की बात कही, कहा कि मणिपुर चिंता का विषय है, मणिपुर में जिस तरह से आग लगी हुई है, संघ प्रमुख ने ये कहा है। नहीं, बिल्कुल, देश के कोई भाग में, कोई दो समाजों में अगर कोई ऐसे होता है तो वो चिंता की बात होती है, लेकिन ये हमारा देश है तो हमारे देश में अगर हमको आगे बढ़ना है, विकास करना है तो वहाँ पर शांति जरूरी है, खुशहाली जरूरी है और इसी हिसाब से मणिपुर के बारे में जो उन्होंने चिंता जताई एक तरफ से वो सही है। सही है, तो आपको क्या लगता है कि शांति की कोशिशें जो होनी चाहिए वो अभी नहीं हो पाई हैं? नहीं नहीं, शांति की बहुत सारे कोशिशें वहाँ पर की गई। आदरणीय हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी वहाँ जाके वहाँ रह के आ गए, लेकिन जो गलत फहमियाँ वहाँ पर फैली हुई है उसी वजह से थोड़ी अशांतता है, लेकिन जल्द से जल्द मणिपुर में भी शांतता प्रस्थापित हो जाएगी। उन्होंने एक और अहम बात कही कि अहंकार नहीं होना चाहिए, जो संघ प्रमुख ने आज कहा है कि अहंकार, किसी एक को अहंकार नहीं होना चाहिए किसी तरह का। बिल्कुल, ये सही बात है कि अहंकार ये ऐसी चीज़ है कि वो किसी को भी लेके डूब सकती है, इसीलिए अहंकार नहीं होना चाहिए, नम्रता से ही लोगों के सामने जाना चाहिए और लोग जो कुछ बोलते हैं, कहते हैं, बताते हैं वो सुनना चाहिए और उसके मुताबिक अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मोदी सरकार का हिस्सा है, क्या संघ प्रमुख नसीहत दे रहे हैं मोदी सरकार को कैसे आगे बढ़े वो? नहीं, हो सकता है संघ प्रमुख हमारे जैसे जो नवीन मंत्री लोग वहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए उनके लिए उन्होंने ये शब्द कहे होंगे और वो हमारे मार्गदर्शक भी है और बुजुर्ग भी है, उनको ये हक भी है कि हमें मार्गदर्शन करना कि हमने कैसा चलना है, कैसा काम करना है, कैसा लोगों से बर्ताव रखना है, ये सब ये मोदी जी ने भी हमको उसी दिन उनके घर पर चाय पान के लिए गए थे तो उन्होंने समझाया और आज वही बात मुझे लगता है। जी ने क्या कहा था आपसे? मोदी जी ने यही बोला था कि आज आपको पूरे देश में काम करने का मौका मिला है तो ज़मीन पे पैर रख के आप काम करो, लोगों में जाओ, घुलो मिलो और पूरी लगन से अपने जो भी अपने को काम ड्यूटी मिलेंगी, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसका काम करो, यही बोला था मोदी। वही बात संघ प्रमुख ने बोली, वही बात संघ प्रमुख ने भी। आखिरी सवाल ये है कि आपके शिवसेना से कुछ उद्धव ठाकरे के संपर्क में ऐसी भी चर्चा हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ?
ये देखिए उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में, क्या बात कर रहे हैं, उधर वाले इधर संपर्क में हैं? बिल्कुल उधर वाले हमारे पास संपर्क में हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था कि वो लोग संपर्क में हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि संजय राउत रोज सवेरे आके कहता है कि ये सरकार अस्थिर है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, 8 दिन में गिरेंगी 15, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनके अशांत सांसद है विधायक है उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 में से कितने अशांत हैं उनके? 9 में से लगभग बहुत सारे सांसद उनके अशांत है, लेकिन आपको मालूम है कि संख्या क्या आइडिया दे सकते हैं? संख्या जो लगती है तो वहाँ से बाहर निकलने के 5 से 6 सांसदों की संख्या लगेंगी। 5 से 6 अशांत हैं, इधर आना चाहिए। 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। दरवाजे खुले हुए हैं? हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के, प्रताप राव जादव साहब हैं बताते हुए कि क्या आगे का रोड मैप है। और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, संघ प्रमुख का जो विचार है वो कह रहे हैं मार्गदर्शक है उनका विचार सर माथे पे। कैमरामैन अभिषेक उपाध्याय, ABP News, दिल्ली।